हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डिक्शनरी के बारे में, जो कि एक पाइथन में इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये टॉपिक्स है जो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिक्शनरी होती क्या है। तो डिक्शनरी पाइथन में की वैल्यू पेयर का एक स्ट्रक्चर होता है, और इसे हैश मैप और एसोसिएटिव एरे भी बोला जाता है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो अब डिक्शनरी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चले जाते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो गाइस, पाइथन में डिक्शनरी डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। तो इसे मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि आप डिक्शनरी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें स्टूडेंट्स का डेटा सेव करना है पाइथन में। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा स्टूडेंट्स के नाम से, और इसमें मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू पेयर की मदद से सेव कर सकता हूँ स्टूडेंट का डेटा। तो सबसे पहले हम एक की बनाते हैं नेम, और उसके बाद कोलन देकर उस की की वैल्यू, जो कि एक स्टूडेंट का नेम होगा, इसे आप डबल कोट या सिंगल कोट किसी में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ नेम देता हूँ मार्क, और उसके बाद कॉमा करके हम इसकी अगली एलिमेंट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक और की बनाता हूँ मैं एज, और उसके बाद इसकी वैल्यू देता हूँ। तो आप इसमें की या वैल्यू में कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, वो चाहे इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, या फिर कोई फ्लोट वैल्यू हो। तो यहाँ पे मैं एज देता हूँ 20, और उसके बाद हम लिखते हैं इसका डेट ऑफ बर्थ, जो कि मैं एज अ स्ट्रिंग पास करता हूँ। तो मैं यहाँ देता हूँ 1 1 2000। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया है। तो इस डिक्शनरी को प्रिंट करने के लिए आप डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप उसका की जो है वो पास करिए। अगर मैं सिर्फ इसका नेम जाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं पास करूँगा नेम, और इसके बाद अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मार्क प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से आप की मदद से वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी में। यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी बात, तो जो डिक्शनरी में कीज है वो हमेशा यूनिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप दो कीज सेम नेम से नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरर आ चुका है। मैंने यहाँ पे दो नेम के कीज बनाए और दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो इसमें हमारे पास जो 20 है वो प्रिंट हुआ है। तो इसलिए हमेशा जो की वैल्यू वो हमेशा यूनिक रखनी है हमें। और आप चाहे तो मल्टीपल कीज के लिए सेम वैल्यू रख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और तरीका है डिक्शनरी को एक्सेस करने का, वो है अगर आप सारे कीज को प्रिंट करना चाहते हैं एक डिक्शनरी की, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स डॉट कीज। और जब मैं इस कोड को रन करूँगा, तो ये हमें एक लिस्ट रिटर्न करेगी सारे कीज की, जो कि डिक्शनरी में प्रेजेंट है। और ऐसे ही हम इसके वैल्यूज के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज मिल गई है। और अगर आप डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स हैं, की वैल्यू जो पेयर है, उसे आप एक एज अ लिस्ट प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे टाइप करिए आइटम्स। और जब मैं इसे रन करूंगा, तो हमें ये एक लिस्ट के फॉर्म में मिल चुका है, जिसके अंदर जो की वैल्यू पेयर है वो एज अ टपल स्टोर्ड है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसे वैल्यू को अगर एक्सेस करूँ की मदद से, जो कि डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये हम करके देखते हैं। यहाँ पे मैं पास करता हूँ ईमेल, और अगर मैं इसे रन करूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरर आया है। तो अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं जो कि कोई और यूजर यूज करने वाला है, और उसमें अगर ये ऐसा एरर आता है, तो बहुत अनॉइंग हो सकता है। तो आप अगर चाहे तो इस एरर की जगह एक आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डॉट गेट मेथड। इसके अंदर हम पास करेंगे जो की है, यहाँ पे मैं फिर से ईमेल पास करता हूँ, और यहाँ पे हम एक और आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, वो होगी हमारी वो आर्ग्यूमेंट जो अगर ये की फाउंड नहीं हुई तो प्रिंट होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट फाउंड, और जब मैं इस कोड को रन करूंगा, तो आप देख सकते हैं इस बार हमारे पास एरर की जगह एक मैसेज प्रिंट हुआ है नॉट फाउंड। तो अब हम देखते हैं कि कैसे आप एक डिक्शनरी में एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो डिक्शनरी में एलिमेंट्स ऐड करने के लिए, या तो हम डायरेक्ट ही एक नया एलिमेंट बनाएं, तो मैं वो बनाने के लिए टाइप करूंगा डिक्शनरी का नेम, ब्रैकेट्स में मैं लिखूंगा जो हमारी नई की है। मैं की बनाता हूँ ईमेल आईडी, और इसके अंदर हम वैल्यू देंगे। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, और यहाँ पे हम इस डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो नई एलिमेंट है वो ऐड हो गई है। अगर आप पहले से ही एडेड जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो इसके जगह आप सिंपली पास करिए उस
की को जिसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं पास करके बताता हूँ आपको, DOB जो यहाँ हमारा डेट ऑफ बर्थ है, और अब मैं इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी DOB की जगह जो हमारी ईमेल आईडी है वो आ चुकी है। और अब डिक्शनरी से कोई एलिमेंट रिमूव करने के लिए यहाँ पे आप कुछ मेथड्स है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है पॉप, ये बिल्कुल लिस्ट के पॉप मेथड की तरह काम करता है। इसके अंदर हमें एक आर्गुमेंट पास करना पड़ता है, और यहाँ पे जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मार्क पॉप हुआ है। और अब मैं अगर इस डिक्शनरी को प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी डिक्शनरी से जो मार्क है वो वाला जो नेम एलिमेंट था वो रिमूव हो चुका है। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट में ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिक्शनरी की लेंथ भी प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग लेंथ फंक्शन। और मैं जब इस कोड को रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो 2 है वो प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे एज रिमूव कर दिया डिक्शनरी से। तो डिक्शनरी की जो लेंथ है वो गई है 2। यहाँ पे आप डिक्शनरी के ऊपर इटरेट भी कर सकते हैं जैसा कि हम लिस्ट में और टपल में करते थे। तो यहाँ पे डिक्शनरी के ऊपर इटरेट करने के लिए मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने आई को प्रिंट किया तो सारे जो कीज है वो प्रिंट हुए इटरेट होकर। तो यहाँ पे हमें आइटम लिखना होगा। तो यहाँ जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब टपल्स प्रिंट हुए हैं की वैल्यू पेयर के। तो यहाँ पे आप डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी बना सकते हैं। मान लीजिए आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा सेव करना है, तो मैं यहाँ पे की बनाता हूँ इस पूरी डिक्शनरी के लिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1:, और इसको मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देता हूँ। तो अब ये जो 1 है वो एज अ की एक्ट करेगी इस पूरे डिक्शनरी के लिए। तो यहाँ मैंने कुछ वैल्यूज डाल दिया डिक्शनरी के अंदर, तो इसे हम नेस्टेड डिक्शनरी भी बोल सकते हैं। तो अगर अब मैं प्रिंट करना चाहूँ किसी एक स्टूडेंट का डेटा, तो मैं इसे डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट, और यहाँ मैं पास करता हूँ 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इंडेक्स में जो स्टूडेंट है उसका डेटा हमें मिल चुका है। यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, तो फॉर आई इन स्टूडेंट डॉट, तो अब हमें ये एज अ टपल मिला है। तो ये बहुत यूजफुल हो सकता है प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।